अंतर्राष्ट्रीय एनसीसी डे के उपलक्ष्य में करनाल के खालसा कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी के अधिकारियों के अलावा कॉलेज के एनसीसी छात्र छात्राओं व अन्य विद्यार्थियों द्वारा बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई गई। जी हां, इस मौके पर करनाल के मेयर रेणुबाला गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की एवं कार्यक्रम को संबोधित किया। यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भी आयोजित किया गया, जिसमें अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली महिलाओं को आमंत्रित किया गया एवं उनके विचार सुने गए। इस मौके पर करनाल के मेयर रेणुबाला गुप्ता ने कहा कि एनसीसी के जवान देश की रक्षा करने के लिए भी अग्रणी रहते हैं और समाज में भी उनकी अहम भूमिका होती है। जी हां, उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम बेटियों को बढ़ावा देने के लिए भी आयोजित किया गया है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ साक्षात पूरा होता नजर आ रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूल का स्टाफ एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बेटियों के साथ होती है तो दिन बहुत अच्छा निकलता है और बहुत अच्छा गुजरता भी है। आज इसी सोच के साथ आज एनसीसी डे के अवसर पर विशेष तौर पे ये कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जैसे अंतर्गत लिया जा, इसमें हमारे बीच में मौजूद हैं कर्नल संदीप नैन जी, लेफ्टिनेंट कर्नल कुलदीप सिंह जी, हमारे बीच में डॉक्टर सीमा शर्मा जी मौजूद हैं, हमारे बीच में बहुत ही सीनियर हैं हमारी बहन संतोष दहिया जी, डॉक्टर संतोष दहिया जी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ की खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम राखी गुरबानी जी हैं, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एनसीसी के जवान भी हैं, व्यक्ति भी हैं, और बहुत ही इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने वाले ऐसे एनसीसी के कैडेट्स हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, देश की ताकत हैं आप लोग। और इतने सुंदर यूनिफॉर्म में ऐसा लग रहा है कि आज देश के इन सम्मान रखने वाले और ऐसी ही भावना से उजागर होने वाले हमारे कैडेट्स बीच में उपस्थित हैं तो मन को एक विशेष शांति विशेष खुशी मिल रही है। अभी बात कर रहे हैं कार्यक्रम के उद्देश्य की और कार्यक्रम के करने की। एनसीसी डे पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को ही क्यों आगे लाया गया? निश्चित तौर पे हमारे युवाओं में वो ताकत है। बात कर रहे थे स्मार्ट सिटी की, तो आपके अंदर वो ताकत है कि जिस देश के गौरव के देश के सम्मान को आगे ले जाकर आपसे उम्मीद की जा सकती है और आगे बढ़ाया भी जा सकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। अभी बेटी संध्या ने अपनी भावनाओं को रखा, संध्या के थ्रू हमें सारी बेटियों की भावनाओं का पता चला कि आज क्यों ज़रूरत पड़ी इस नारे की, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए जाने की, कि एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पूरे देश भर में चलाया जाए और वो भी हरियाणा की धरती से चलाया जाए। जबकि हमारा भारत देश तो माना जाता है कि देवियों का देश है। हमारे देश को पुरानी प्राचीन समय हम देखें, हमारे देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, तीन मनुष्य के जीवन में बड़े महत्वपूर्ण, मैं कहूँ शस्त्र हैं, ताकत विद्या और धन, और तीनों की देवियाँ इतनी सशक्त हैं। तो आज भारत की नारी कहाँ कमज़ोर है? बिल्कुल नहीं है। आज भी भारत की नारी उतनी ही सशक्त है। ज़रूरत है उसकी भावनाओं को समझने की। आज संविधान में कानून बराबर है, पर ज़रूरत है उसे इम्प्लीमेंट करने की। ज़रूरत है हम बेटियों के सम्मान कर पानीपत से मोदी जी के द्वारा इस नारे की शुरुआत की गई। इस नारे से महिलाओं के जीवन में बहुत बदलाव आया। उन्होंने आर्मी वायुसेना में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।